हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अनोहोती गोलाघाट छोटी काशी से एनएम न्यूज से। आज मैं हरीश भारती के ऑफिस में आया हूं और जो पूर्व सभासद भी रहे हैं और युवा के लिए एक नई योजना बनाते रहते हैं और युवा को अपने साथ में एक संगठन देते हैं और उनको मजबूत बनाते हैं। आज मैं हरीश भारती जो पूर्व हमारे सभासद रहे हैं, मैं उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। सर, भ्रष्टाचार पे आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज़ है जैसे लकड़ी में जो दीमक लग जाती है, दीमक की तरीके से बिल्कुल भ्रष्टाचार जैसे, भ्रष्टाचार और दीमक बिल्कुल सेम बराबर हैं। पूर्व में जितनी सरकारें रही हैं, हालांकि तमाम लोगों प्रयास किया, समाज सभी जो संगठन होते हैं उन लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार कम हो, जो सरकारें आती उनका भी यही काम होता, लेकिन पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनमें जो भ्रष्टाचार रहा है, आज जो सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो आज भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक लगाम लग रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो एक काम चल रहा है उनका भ्रष्टाचार के ऊपर, 5 साल की सरकार होने जा रही है केंद्र में, आज तक एक भी जो है सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जबकि आपने देखा होगा उससे पूर्व में जो सरकारें रही हैं, 5-5 साल में हजारों हजार करोड़ का लोगों ने घोटाला किया है, जो सरकारी पैसा, जो गरीब जनता का पैसा लोग दबा के बैठ गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो पूर्व में चला आया है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश भ्रष्टाचार पर लगा है, और निश्चित ही हम लोग मानते हैं सब नौजवान एक साथ काम करेंगे कि उसमें भ्रष्टाचार पर रोक। यहाँ पर हरीश भारती ने जो बात बताई कि युवा पर ही है सब कुछ, क्योंकि युवा अगर मजबूत है तो संगठन मजबूत है, उन्होंने युवा के लिए काफ़ी अच्छी बात कही। मैं नरेंद्र कुमार अवंती, एनएम न्यूज से, जय हिंद।